तो आ गया स्टूडियो में LG वेलवेट और यहाँ पे फोन के अलावा और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे LG वेलवेट जो मेरे पास है यह है AT&T वाला वर्जन। और अब अगर मैं इसको हटाऊं तो नीचे आप देख सकते हो कुछ और स्टफ। एक हमें मिल रहा है यहाँ पे केस आपके LG वेलवेट के लिए, और यहाँ पे है फोन सोप का एक बहुत ही कमाल का डिवाइस जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, इसका अडेप्टर। और लास्ट में यहाँ पे है हमारे पास फोन, अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि कलर कौन सा है, तो वो भी देखते हैं। और नीचे है LG का ड्यूअल स्क्रीन वाला मॉड्यूल। अब चेक करते हैं कलर, मुझे मिला है अरोरा सिल्वर। इसके अलावा कुछ और भी कलर्स हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ मिलेंगे, बट किसी एक कैरियर पे आपको सारे के सारे कलर्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे AT&T पे सिल्वर है तो मे बी वराइजन पे ये ना हो, वराइजन पे दूसरा वाला कलर ऑप्शन अवेलेबल हो, बट जब इंडिया में ये रिलीज होगा या बाकी कंट्रीज में तो आपको सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे। और अब बॉक्स को निकालते हैं और देखते हैं अपना फोन। यहाँ पे है हमारा LG वेलवेट, वो प्लास्टिक रैप के अंदर, और क्या सही लग रहा है। और पीछे AT&T भी आपको दिख रहा होगा, तो बहुत ज्यादा शाइनी है। मेरा जो कैमरा है वो डिटेल्स नहीं पकड़ रहा क्योंकि रैप भी है और ऊपर से कलर वैसा है ग्लॉसी। तो इसको अभी यहाँ रख देते हैं, कंटेंट देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, नीचे देख लेते हैं और क्या हमें मिलेगा। वो कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, कुछ और प्रोडक्ट मैनुअल्स, और नीचे है यहाँ पे पावर ब्रेक आपके फोन को चार्ज करने के लिए, सिम इजेक्टर टूल और USB-C केबल। तो ये हो गया बॉक्स का कंटेंट। अब ये वाले रैप को हटाते हैं, और रैप हटाने वाला काम आप सबको पता है, अगर आप लोग मुझे पहले से देख रहे हो बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और ऑनेस्टली इस बार जो डिज़ाइन है वो बहुत ही डिफरेंट है, सैमसंग ज़्यादा लग रहा है, LG कम लग रहा है मुझे। और बहुत ही ज़्यादा स्लिम फ़ोन है ये वाला, अगर मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊँ बहुत ज़्यादा स्लिम है। और यहाँ पे अगर जल्दी से मैं LG V60 को लेके आऊँ तो LG V60 की आप स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैट स्क्रीन है, बट यहाँ पे जो स्क्रीन है वो कर्व्ड है, आपको स्क्रीन भी कर्व्ड मिलेगी और जो बैक है बैक भी कर्व्ड है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन। और सबसे स्पेशल चीज है ये कैमरा मॉड्यूल, इसको LG कहता है रेन ड्रॉप कैमरा डिजाइन। तो रेन ड्रॉप वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर बड़ा है कैमरा, उसके बाद छोटा 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 होता चले जा रहा है। तो ये जो कैमरा डिजाइन है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और बहुत ज्यादा ग्लॉसी बहुत ज्यादा शाइनी है ये बैक। नोट 10 की मुझे याद आ गई है, नोट 10 की बैक भी कुछ ऐसी ही दिखती है, और आप बीच बीच में मुझे भी देख सकते हो। अब अगर कैमरा की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ। जो यहाँ पे प्राइमरी लेंस है ये है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी लेंस 8 मेगापिक्सल वाला वाइड, और जो थर्ड कैमरा है ये है डेप्थ के लिए, और इसका रेजोल्यूशन है 5 मेगापिक्सल। नीचे आपको एक LED फ्लैश दिख जाएगी। और ऑनेस्टली कलर आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो अभी तक काफी कूल लग रहा है, बट फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो डेफिनेटली होने वाला है। बट चलो केस हमें मिल गया है, तो बैक के बाद अब देख लेते हैं साइड्स की यहाँ पे क्या क्या मिलता है। साइड में हमें मिलता है लॉक अनलॉक बटन, यहीं से आप पावर ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी, उसके साथ ही नीचे आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड बटन गूगल असिस्टेंट के लिए, जिसको आप सेटिंग्स के अंदर जाके ऑन या ऑफ रख सकते हो, आपके ऊपर है। मैं गूगल असिस्टेंट इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ तो मैं इसको ऑफ ही रखने वाला हूँ, बट काफी लोग है जिनको ये बटन काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब अगर ऊपर की बात करें, ऊपर हमें मिल रहा है सिम ट्रे, और अब दिखाता हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज। तो LG एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक हेडफोन जैक नहीं निकाला, बट इस बार LG वेलवेट में जो LG की खासियत है क्वाड डेक वो नहीं मिल रहा है, तो म्यूजिक परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो सकती है LG V60 के कंपैरिजन में। उसके साथ ही यहाँ पे हमें मिल रहा है USB-C पोर्ट चार्ज करने के लिए और स्पीकर्स। और अब फोन को करता हूँ ऑन LG वेलवेट, और इस बार जो नेमिंग स्कीम है वो चेंज कर दी है, जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी तक जो फोन आते थे LG V60, LG G8, LG V50, वो सारी नेमिंग स्कीम LG ने खत्म कर दी है, और एक बहुत ही सिंपल सा नाम है LG वेलवेट, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, एंड आई एम डैम श्योर आपको भी काफी ज्यादा ईजी लगा होगा याद करने में, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं इस वाले फोन की बात करूं तो यहाँ पे इसका नाम है LG V60 ThinQ 5G, और 5G से याद आया ये वाला फोन भी 5G है। और अब मैं फटाफट से इसको कर लूं सेटअप। फोन मैंने सेटअप कर लिया है, और सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही होगी एक बहुत ही कमाल की स्क्रीन। LG वेलवेट में हमें मिलती है 395 PPI वाली 6.8 इंच की OLED स्क्रीन। जिस प्राइस रेंज में ये वाला फोन आ रहा है $599 में, मिड रेंज फोन है ये वाला, बट यहाँ पे जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और अब आ जाते हैं फ्रंट कैमरा पे। फ्रंट में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और इस फोन में आपको फेस डिटेक्शन नहीं मिलेगी, इंस्टेड
आपको यहाँ पे मिलता है फिंगरप्रिंट रीडर जो कि बहुत ही तेज है, और LG का V60 मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी फिंगरप्रिंट यूज करने में। और अब फिंगरप्रिंट रीडर के बाद बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकेशन की। 5G मॉडल है ये और स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिलता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज हमें मिल जाती है, और माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है 2 TB तक का ये वाला फोन। फिंगरप्रिंट मैग्नेट की मैंने बात की थी और फिंगरप्रिंट अभी आप देख सकते हो सिर्फ 15 मिनट में। अब बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी यहाँ पे मिलती है 4300 mAh की, उसके साथ ही हमें यहाँ पे मिलती है IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग, तो पानी वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी बट अभी मेरे दिमाग में आई है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बट ये जो रिव्यू यूनिट है मुझे LG ने भेजी है जो कि कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मुझे वापस भेजनी है LG को ही, सिर्फ मुझे रिव्यू के लिए मिली है। और बाकी एक्सेसरीज को अनबॉक्स करने से पहले एक बार कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। कैमरा टेस्ट वाली वीडियो आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। अब चलते हैं कुछ और फीचर्स चेक कर लेते हैं। टाइम लैप्स वीडियो, वीडियो के अंदर है ASMR रिकॉर्डिंग, और उसके बाद है वॉइस बोका, ये वाला जो फीचर है मैं टेस्ट करने वाला हूँ। पोर्ट्रेट के अंदर भी यहाँ पे काफी सारे मोड हैं, ब्लर, 3D फोटो इफेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं, सारी चीजें मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने कैमरा टेस्ट वाली वीडियो में। और अब एक्सेसरीज निकाल लेते हैं। सबसे पहली एक्सेसरी है ये केस, डिजाइन स्किन ब्रांड है जिनका ये केस है, और वॉलेट केस है क्योंकि मुझे यहीं से दिख रही है पॉकेट्स। केस को निकालते हैं, यहाँ पे भी आपको डिजाइन स्किन दिख रहा होगा, और अब लगा लेते हैं इसको फोन के ऊपर। ग्रीन कलर है तो कैसा लग रहा है आपको ये कलर, नीचे से आप देख सकते हो कुछ ऐसा लुक साइड से। और ऑनेस्टली जब मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ कि कुछ ऐसा ना कर दूं कि कोई चीज मिस हो जाए या कुछ, बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ अनबॉक्सिंग के टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आप सब आते हो। और अब इस केस को निकालते हैं, अब वो चीज लेके आते हैं जिसका मुझे वेट है। यहाँ पे है ड्यूअल स्क्रीन मॉड्यूल, इसको निकाल लेता हूँ मैं बाहर रैप से, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। ये ब्रांड न्यू LG वेलवेट के साथ आया और ये है V60 वाला, तो यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन मिल रही है ये है 2.1 inches की, और आप LG V60 वाली तो देख ही सकते हो। यहाँ पे लुक मिलता था जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो है ही है, तो इसको रखते हैं साइड में, इसके अंदर लगा लेते हैं अपने LG वेलवेट को। तो प्रोडक्ट मैनुअल, फोन को कनेक्ट कर लेते हैं इस केस साथ, तो यहाँ पे केस मैंने कनेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा LG वेलवेट। ये यार जो ड्यूअल स्क्रीन वाला केस है ये काफी ज्यादा यूजफुल है बट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है आपका फोन पॉकेट में, जब आप कैरी करते हो तो पता लगता है कि कुछ है आपकी पॉकेट में, बहुत ज्यादा हैवी है बट यूजफुल बहुत ज्यादा है। और जो लोग पहली बार ऐसा कोई मॉड्यूल देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बटन है जहाँ से आप ऑफ या ऑन कर सकते हो, तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए प्ले स्टोर के अंदर हो, यहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे आप यूट्यूब देखते देखते कोई और काम कर सकते हो, मेरी ही वीडियो ऊपर दिख रही है। क्रोम के अंदर हूँ अभी मैं और मैं चाहता हूँ ये जो वेबसाइट है ये मुझे दोनों स्क्रीन पे दिखे, तो ये जो बटन है यहाँ से मुझे बस वाइड व्यू करना है ऑन, और आप देख सकते हो दोनों स्क्रीन के ऊपर आ गई है वेबसाइट, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ बट इस लेआउट में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ इस लेआउट में इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्यूअल स्क्रीन का मजा तब भी बहुत आता जब आप गेम खेल रहे हो, ऊपर आप गेम प्ले कर सकते हो, नीचे इस जगह को आप बना सकते हो गेम पैड। तो ये सारी चीजें मैं अपने रिव्यू में कवर करने वाला हूँ, रिव्यू के लिए मैं 15-20 दिन लूंगा क्योंकि पहले मुझे खुद यूज करना है, फिर ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने अच्छे से काम करता है। तो ये हो गई ड्यूअल स्क्रीन। फ्रंट में आपको 2.1 inch की स्क्रीन मिलेगी जहां पे आपको नोटिफिकेशन, टाइम वगैरह सब कुछ दिखेगा। और अब बहुत ही एक्साइटिंग एक्सेसरी, और यहाँ पे है फोन सोप डिवाइस और इसका एडाप्टर। अगर आपको नहीं पता ये क्या डिवाइस है, आजकल आपको पता ही है COVID-19 चल रहा है और हमें हर चीज सैनिटाइज करनी होती है, और सबसे ज्यादा जर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो है आपका फोन, तो ये जो डिवाइस है ये आपके फोन को सैनिटाइज करता है, डिसइंफेक्ट करता है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे बस आपको 5 मिनट अपने फोन को इस जगह पे रखना है, इसको कर देना है बंद और ऑन कर देना, और 5 मिनट के बाद आपका जो फोन है प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो इस एक्सेसरी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो ये थी टोटल एक्सेसरीज और यहाँ पे है हमारा फोन। कैसी लगी अनबॉक्सिंग प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में। अब आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस है इसका $599 अभी अवेलेबल है, US की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 80 NT के ऊपर। कोरिया में, यूरोपियन कंट्रीज में काफी दिन पहले ही लॉन्च हो गया था, US में कल ही लॉन्च हुआ है और आज सुबह मेरे पास आ गया था मेरा LG वेलवेट। इंडिया में ये वाला जो फोन है 1 या 2 महीने के अंदर आ जाएगा, और इसका जो प्राइस होगा वो होगा 50 से लेके 55,000 के बीच में, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये
जो फोन है बहुत ही कमाल का फोन है। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो ऑब्वियसली फेस से पता चल गया होगा, काफी ज्यादा पसंद मुझे आया है। बट रियल लाइफ यूसेज वाले जब टेस्ट होंगे तभी पता चलेगा, जब एवरी डे मैं इसको सुबह से शाम तक टेस्ट करूंगा तो उसके लिए 10-15 दिन लगेंगे और फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रॉपर रिव्यू। और आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में कैसा लगा आपको ये वाला फोन, कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।